दोस्तों, क्या आपका मल्टीमीटर आपको कंटिन्यूअसली बीप साउंड दे रहा है और रेजिस्टेंस या एम्पेयर मेजर करने के टाइम में आपको रॉन्ग वैल्यू शो कर रहा है, मगर एसी और डीसी वोल्टेज मेजर करने के समय आपको करेक्ट वैल्यू शो कर रहा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आपका मल्टीमीटर खराब नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत एंड यू आर वॉचिंग द फायरफ्लाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करने के बाद कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। दोनों प्रोब आपस में कनेक्ट नहीं है, फिर भी हमें कंटिन्यूसली बीप साउंड दे रहा है। देखिए, मल्टीमीटर अभी कंटिन्यूटी रेंज में सेट है। मैं दोनों प्रोब को आपस में टच कर रहा हूँ तो हमें मल्टीमीटर कुछ वैल्यू शो कर रहा है। अगर मल्टीमीटर सही होता तो हमें यहाँ पर जीरो वैल्यू शो करता और बीप साउंड सुनने को मिलता। देखिए, अभी मैंने प्रोब को हटा दिया है, फिर भी बीप साउंड दे रहा है। तो चलिए इसे ओपन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसे ओपन करते ही आप एक बार सारे कंपोनेंट को चेक कर लीजिएगा, कोई भी कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं है। देखिए, यहाँ पर दो फ्यूज लगा हुआ है। ये जो फ्यूज है ये 10 एम्पियर का फ्यूज है जो इस स्लॉट के लिए दिया गया है, और इस स्लॉट के लिए ये वाला फ्यूज है जो 250 मिली एम्पियर का है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट किया है, अब चेक करते हैं। देखिए, इसमें बीप साउंड नहीं दे रहा है तो ये फ्यूज खराब हो चुका है। अब दूसरा फ्यूज को चेक करते हैं। हाँ, इसमें बीप साउंड मिल रहा है तो ये सही है। अब इस खराब फ्यूज़ को निकल के दूसरा सेम वैल्यू का सही फ्यूज़ लगाने से हमारा मल्टीमीटर पहले जैसा बिहेवियर करने लगेगा। देखिए, इसका जो वैल्यू है वो 250 मिली एम्पियर, 250 वोल्ट। आपको सेम वैल्यू का ही फ्यूज़ लगाना है, ना ज़्यादा ना कम। मैं यहाँ पर सेम वैल्यू का ही फ्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ। अब दोनों प्रोब को लगा लेते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी रेंज में सेट करने के बाद दोनों प्रोब को आपस में कनेक्ट करने से हमें बीप साउंड मिल रहा है और जीरो वैल्यू भी शो कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, मल्टीमीटर पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।